नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आज हम कक्षा फर्स्ट और सेकंड में कुछ नया करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा निवेदन कि वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को आंख पूरी देखें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। आज हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे। आप अंकों से परिचित हैं, जो देखिए ये स्टार कितने हैं, गिनेंगे इनको, लिखेंगे 1 2, ये 2 स्टार, ऐसे 2 ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखते हैं। ये बटरफ्लाई कितनी है, देखो ध्यान से देखो, गिनो इसको, 1 1, ऐसे लिखते हैं आप। ये बटरफ्लाई कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि 5 आप ऐसे लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ये फूल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि 3 फ्लावर है ना। इनसे तो आप जानते हैं बच्चों कि आपके पास एक वस्तु होती है, 2 3 4, इनके लिए आप लिखते हैं ऐसे, जब एक वस्तु हो तो 1 अंक, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से अधिक वस्तुएं हो तब भी आप लिखते हैं। परंतु हम आपको यहाँ एक नई बात बताना चाहते हैं, क्या है वो। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टार थे, अब दोनों ही स्टार यहाँ से हटा दिए मैंने, ये देखो ये मैंने हटा दिए, बताओ अब यहाँ से कितने स्टार बच गए। 2 स्टार थे, दोनों ही खत्म कर दिए, तो यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, खाली बचा। खाली स्थान को हम इस अंक से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं शून्य। क्या नाम दिया इसको हमने, इसको लिखने का तरीका ऐसे, शून्य, रिक्त। ये इस प्रकार से आपके पास ये बनाना है, आपने इसी उदाहरण को समझना है। जैसे ये देखिए, इस बच्चे के पास ये कितने हैं, 1 2 2 है ना ये, और इसके पास, अरे इसके पास तो एक भी नहीं, एक भी नहीं। जब एक हो तो हम उसको एक को ऐसे लिखते हैं, 2 हो 2 को ऐसे लिखते हैं, और 3 हो 3 को ऐसे लिखते हैं। परंतु जब एक भी नहीं तो क्या लिख, गणित की भाषा में उसको लिखने के लिए हम एक नई शब्दावली, एक नए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका, इसको हम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम शून्य, और इंग्लिश में 0। जैसे 1 2 3 है ना, इसी प्रकार से जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, खाली है, या यहाँ पर 2 थे, दोनों ही ये 5 बटरफ्लाई हैं, मान लेते 5ों बटरफ्लाई उड़ गई, क्या हुआ, 5ों बटरफ्लाई उड़ गई, 1 उड़ी, 2 उड़ी, 3 उड़ गई, ये 4 उड़ गई, और ये 5वीं भी उड़ गई, 5ों बटरफ्लाई हवा में उड़ गई उड़ गई उड़ गई। तो यहाँ पर कितनी बच गई, 5 थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शून्य आ गया। तो इसी अवधारणा को आपने समझना है, शून्य क्या होता है, जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती, यानी कि रिक्त होता है, रिक्त। जैसे 5 बटरफ्लाई थी, 5 ही उड़ गई तो शून्य बच गया। अब यहाँ पर देखिए, 3 फ्लावर थे, कितने फ्लावर बच्चों, 3, 3 में से 1 फ्लावर मैंने यहाँ से हटा दिया, 1 फ्लावर मैंने किसी को दे दिया गिफ्ट। तो अब यहाँ पर कितने फ्लावर बच गए, गिनो इनको, 1 2, यानी कि 3 में से 1 कम कर दिया तो आपके पास 2 बच गए। इस प्रकार से हम वस्तुओं को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताई मेन रूप से, वो शून्य की अवधारणा है। शून्य को इस प्रकार से लिखना है आपने, और बच्चों इसको गोला नहीं लिखना, ये ऐसे, ये ओ होता है, इंग्लिश का ओ लेटर है, और ये शून्य है हमारा। इनमें थोड़ा लिखने में अंतर है, आप इस अंतर को समझें, आप अभी से समझ लेंगे तो वो आपके काम भी आएगा। अब गणित में आप अंक देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखो ये शून्य है और ये ओ गोल गोल बनेगा, इन दोनों में आप अंतर करें। चलिए अब हम आगे हमारे कुछ घटाने के क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हम कम करते हैं, यानी कि घटाते हैं, शून्य को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, अब शून्य को कैसे घटाएंगे, शून्य को, अब शून्य पता लग ही चुका आपको, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, रिक्त है। ये 2 हमारे पास दिल बनाए हुए मैंने, कितने है, 2 है ना, इसमें शून्य कम कर दिए तो बताओ कितना उत्तर आया, 2 में से शून्य कम, यानी कम तो कुछ किया ही नहीं। शून्य का मतलब कोई वस्तु नहीं होना, रिक्त स्थान,
कुछ भी मैंने कम नहीं किया, तो दो में से जब कुछ कम ही नहीं किया तो कितना वस्तु आएगा, दो की दो वस्तु आएगी। अगर हम दो में से एक वस्तु भी कम कर देंगे तो दो में से एक कम करते कितना बच गया, एक बच गया ना ये। परंतु जब हम शून्य को कम करेंगे तो दो वस्तु पहले थी और दो ही वस्तु हमारी बाद में रहेंगी, ये आपने समझना है। यहाँ पर देखिए आप इस चित्र में, यहाँ पर कितने फ्लावर लगे हुए हैं, एक दो तीन। अगर हम तीन में से तीनों फ्लावर को हटा दें, तीन फ्लावर थे छोटे छोटे, तीनों ही मैंने हटा दिए यहाँ से, तो अब कितने बच गए, तीन में से तीन हटा दिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शून्य बच गया। इसी प्रकार से आज हम आपको शून्य को घटाना और शून्य को जोड़ना करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, आप जोड़ और घटा से तो पहले ही परिचित हैं। घटाना होता है कम करना और जोड़ना होता है कुछ मिलाना। जैसे पाँच में दो मिला दिया, ये तो आप कर ही सकते हैं ना, पाँच वस्तुएं, एक दो तीन चार पाँच वस्तुएं, और दो वस्तुएं, एक दो वस्तुएं, तो मिलाओ एक दो तीन चार पाँच छः सात वस्तुएं हो गया। अब हम पाँच में शून्य मिलाएंगे, ये पांच वस्तुएं, एक दो तीन चार पाँच, और शून्य कोई वस्तु नहीं, यहाँ पर कोई हम निशान नहीं लगाएंगे, तो पाँच में शून्य मिलाएंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा, पाँच ही आएगा। अगर हम शून्य में पाँच मिला दें, शून्य को आप ऐसे लिखें थोड़ा सा लंबे तरीके से, अगर हम शून्य में पाँच मिलाएं, शून्य तो शून्य है कुछ भी नहीं, पाँच एक दो तीन चार पाँच, तो भी हमारा उत्तर पाँच है। इस प्रकार से आप शून्य के साथ जोड़ने की क्रिया करनी है, और घटाना कैसे है, इसी प्रकार से घटाना, जैसे मैंने बताया था आपको, दो में से शून्य कम करनी, यानी कि दो फूल थे तो कम कितने की बच्चों, ये देखो ना, कम तो कुछ भी नहीं किया, शून्य कम किया, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, उत्तर दो ही आएगा। इसका अर्थ ये है, अगर हम किसी वस्तु में से शून्य को घटाते हैं तो हमारे पास वही संख्या आती है, तो दो में से शून्य घटाया दो आ गया। अच्छा बताओ, क्या शून्य में से दो घटा सकते हैं हम, शून्य में से दो घटाना ये आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे पास वस्तुएं नहीं है तो हम कम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास शून्य में से हम दो कम अभी तक नहीं, इस कक्षा में नहीं कर सकते, बड़ी कक्षाओं में जरूर आप शून्य में से दो कम करेंगे। चलिए कुछ और समझते हैं हम बात, नहीं शून्य के साथ, शून्य के साथ घटाना और जोड़ना, पाँच जमा शून्य क्या उत्तर आएगा बच्चों, झटपट कर देंगे, पाँच आएगा। तीन जमा दो कितना आएगा, तीन में दो मिला दो पाँच आएगा। दो जमा शून्य, दो में शून्य मिलाया तो दो ही आया। शून्य जमा तीन कितना आया, तीन ही आया। तीन घटा शून्य कितना है, तीन में से शून्य घटाया तो भी हमारा तीन ही आएगा। और पाँच घटा शून्य वो भी हमारा पाँच आएगा। शून्य का अर्थ होता है रिक्ति, रिक्त, खाली स्थान। तो इसी बात को आपने समझना है और शून्य को समझ के शून्य के प्रयोग करने हैं आपने। अच्छा एक बात और यहाँ पर बता दूँ मैं, ये कितनी वस्तु है, अच्छा एक वस्तु, ठीक है ना। अब हम गिन रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ के बाद जब हमारे पास ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, नौ में जब एक और वस्तु मिला देते हैं तो गिनते हैं दस बन जाती है ना, तो दस को कैसे लिखेंगे ये समझना है आपने। मैंने बार बार बताया आपको कि दस वस्तुओं का हम एक बंडल बना देते हैं, दस वस्तुओं को बांध देते हैं। दस का बना दिया हमने एक बंडल और खुली बच गई जीरो वस्तु, शून्य बच गई खुली, कुछ भी नहीं खुली बची ना। जब हमारे पास दस वस्तुएं थी तो हमने उनको बांध दिया और खुली हमारे पास कुछ भी नहीं बची। इस प्रकार से आप एक के साथ पीछे शून्य लगाकर ये दस बनेगा हमारा, क्या बनेगा दस, और खाली शून्य की ये शून्य है। तो शून्य हमारा गणित में बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर हम ये ऐसे इस प्रकार से लिख दें तो क्या है ये कितना है, ये तो आप जानते ही है, ये एक है, और अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये कितना बन गया, ये दस बन गया। तो ये शून्य का कमाल है, शून्य इधर लगे तो एक रहती है, और शून्य जब इधर लग जाता है तो दस बन जाता है। आप सौ भी लिखना जान चुके हैं, दूसरी कक्षा में हो चुके हैं ना, सौ कैसे लिखते हैं, सौ ऐसे लिखते हैं, एक सौ एक सौ। तो यहां पर कितनी शून्य लगी,
यहाँ पर दो शून्य लगी। दो शून्य लगाने से हमारे पास 100 यानी कि सैकड़ा वस्तुएं बनती हैं, और जब एक शून्य लगता है तो 10 बनती हैं, और जब शून्य नहीं लगता तो एक वस्तु रहती है। तो आपने शून्य की करामात को समझना है, शून्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।